बुखार या जो हाँ बुखार चढ़ गया बोरा एक एक बैग बुखार अभी तो ठंडा लगने का बुखार था। आए तो देखे तो तुरंत उठा के साइकिल से कर ले गए उसको मोहद्दीपुर एक डॉक्टर रेलवे के सीढ़ी पर था। मोहद्दीपुर अच्छा मोहद्दीपुर हाँ वहीं अक्सर अपने बच्चे का दवा कराते ही थे क्योंकि बच्चे की स्पेशली थी उनके पास ले गए तो देखे फीस भी हमसे उन्होंने नहीं लिया कहा बेटा ऐसा कंडीशन बहुत ख़राब है और आप इसको ले जाओ शीतला केयर हॉस्पिटल। फिर हम वहाँ से साइकिल पे बैठा के अपने वाइफ को अपने बच्चे को ले गए उस समय मेरा तबीयत बहुत ख़राब था किसी तरह उन लोग को ले गए साइकिल बैठा तो वहाँ ले गए तो उन्होंने कहा कंडीशन बहुत ख़राब है लेकिन एडमिट उन्होंने कर लिया दो घंटे तक वहाँ रही। फिर दो घंटे बाद वहाँ मेरा जो भी पैसा लगा 4-5 हज़ार रुपया फिर दो घंटे बाद पैसा कि अब आप यहाँ से ले जाइए मेडिकल रेफर कर रहे हैं ना कंडीशन ठीक नहीं बच्ची और वहाँ ले जाएंगे तो आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी वहाँ इससे बढ़िया इलाज है। तो हम वो डॉक्टर हैं डॉक्टर शीतला केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। ये कहाँ पर ये है काली मंदिर इलाका गोलघर। तो हम वहाँ से फिर एम्बुलेंस किए एक प्राइवेट 500 रुपये पड़ा था और ले गए मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज हम करीब 11 बजे पहुँच गए तो वहाँ पर एक कागज़ मिलता है लाल रंग का भर्ती का फिर वहाँ से ले गए फिर गए वार्ड नंबर 12 में मेडिकल कॉलेज में। हाँ फिर वहाँ ने 2-3 घंटा मतलब यूँ कागज़ बनवाने में दौड़ धूप में लग गया। करीब रात को 2 बजे मुझे फिर वार्ड आईसीयू रूम में मेरे बच्चे को शिफ्ट किया। 2 घंटा लग गया प्रोसेस करते करते जी सर बहुत दौड़ाते हैं बहुत पसंद करते हैं सर मेरा तो पूरा हाँ रीढ़ की हड्डी और दोनों नस पैर का दर्द कर रहा है क्योंकि उसमें भी बीमार थे मैं 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं। उसके बाद मेरी बच्ची ऑक्सीजन लग गया यहाँ ऑक्सीजन किस हिसाब से लगा था वहाँ दूसरे हिसाब से ऑक्सीजन लगा था यहाँ तो सिर्फ कैप लगा दिया प्राइवेट में कि वहाँ पहले अंदर नली डाल के ऑक्सीजन लगाए थे हमें मालूम नहीं था कि नली क्यों डालते हैं वो तो बाद में पता चला बच्ची खो देगा सब बता रहे हैं करके। जब फिर उन्होंने ऑक्सीजन उसमें पाइप से कनेक्ट कर दिया तब तक मेरी बच्ची बिल्कुल सेफ थी। करीब 6:30 बजे तक फिर 6:30 बजे बाद उन्होंने क्या किया जो बम्बू कैंप होता दबाने वाला है उसमें उन्होंने उसी कैंप में बांध के फिर उससे पंप कराते थे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया उसका शायद यही कारण था उन्होंने कि नली डाला था उसमें कि ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो पंप से भी मरेगा। तो जब वो पंप बम्बू पैंप जब होने लगा मतलब तो उसका कंडीशन मेरे बच्ची का एकदम ख़राब होते गया आखिरकार मेरी बच्ची डेथ कर गई। उन्होंने हमको बताया ये बात 10 बजे रात को 11 तारीख को शुक्रवार को उन्होंने लेकिन मेरी बच्ची 6:30 से 7 के बीच में मर गई थी क्योंकि शरीर पूरा एकदम ठंडा कड़ा हो गया था। लेकिन ये बात वो मानने तैयार नहीं थे कहने नहीं मेरी बच्ची ठीक है जिंदा है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चालू है और सांस चल रहा है। ये बात हम 7 बजे जाकर मीडिया लोग बोल दिए मेडिकल कैंपस के बाहर पूरे मीडिया वाले थे बहुत सारे अगर ऐसी सी बात है और मेरी बच्ची के साथ हो रहा है लेकिन फिर भी डॉक्टर बोल नहीं रहा कुछ हाँ नहीं बोला नहीं बच्ची ठीक है। फिर सारे मीडिया वाले अंदर आ गए वार्ड में अंदर नहीं मतलब तो वार्ड के बाहर पूरा शीशा लगा वहाँ से फुटेज करना चालू कर दिए। फिर सारे डॉक्टर खड़े हो गए दिखाने के फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं झूठ मूठ में उसको सुई लगा रहे हैं मरने के बाद भी उसको सिरिंज लगाया गया बहुत बुरी कंडीशन में इलाज हुआ ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद मेरी बच्ची मर गई। अगर ऑक्सीजन नहीं ख़त्म हुआ होता तो मेरी बच्ची साथ गिर जाती। किसको दोषी मानते हैं आप इसके लिए प्रशासन सरकार और क्या अगर उसमें ऑक्सीजन पूरा पर्याप्त होता सरकार पर्याप्त कराती प्रशासन पर्याप्त कराता तो इतने सारे बच्चे नहीं मिले। अफसोस ये नहीं सिर्फ मेरी बच्ची अकेला मैं ही नहीं हूँ बहुत सारी बच्चियाँ मरी हैं मेरे सामने ही 3 लोग मरे हैं एक 15 साल की एक 1 साल का एक 4 साल का प्लस मेरी बच्ची। अब बहुत सारे को तो मरते हमने देखा नहीं क्योंकि एक लाश तो हम उठा ही नहीं पाए अपना। तो अब क्या सरकार से कुछ डिमांड है आपकी? हमको कुछ नहीं चाहिए हमको यही चाहिए सरकार को कि सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरी बढ़िया से व्यवस्था कराए दवा और ऑक्सीजन की आने वाले मासूम बच्चों की हत्या ना हो सके। कोई बड़ा नेता कोई लीडर कोई आया आपका दुख दर्द पूछने के लिए? कोई नहीं सिवाय पत्रकार के कोई नहीं आया बस समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमारे घर आए थे। 7-8 बजे करीब ये जो हुआ मतलब पूरी घटना बच्चे के साथ इसमें आप दोषी के किस चीज़ को दोषी मानते? देखिए दोषी इसमें सरकार की है प्रशासन की है मेडिकल कॉलेज के लोग की है जहाँ बहुत ही लापरवाही से इलाज होता है।
कारण आपको क्या लगता है, क्या रहा कि सर? कारण पूरा कारण ऑक्सीजन के वजह से ही हुआ, ठीक है? ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी भी बच्ची है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है 11 साल का। क्या नाम है उसका? वाहिद अली नाम है। ये बच्ची का कितना, क्या? ये बच्ची का नाम खुशी। क्या करते हैं, कैसे चलता है आपकी जीविका पूरी? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट नौकरी मतलब, यानी कि 5-6 हज़ार रुपये सैलरी है महीने का, इससे अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करके रिटायर हो। बच्ची कितनी उम्र थी? 5.5 साल, मतलब सब पढ़ाई करती थी। अभी पढ़ने वाले में सोचा था कि इस साल मैं उसको एडमिशन कराऊंगा किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा अच्छे कॉलेज, लेकिन सपना मेरा पूरा ना हो सका। मेरी बच्ची बहुत, आप मेरी बच्ची से अगर मिल लेते ना तो कहते हैं भाई बहुत तेज लड़की थी वो, बहुत ही तेज थी, बहुत स्पर्ट थी, सबसे एकदम ऐसी बात कर जैसे लगता था स्कूल जाती थी। इससे पहले कभी बीमार पड़ी? नहीं नहीं, कभी ही नहीं बीमार पड़ी थी। मेरी बच्ची बहुत लकी थी, उसको बुखार अगर होता भी था तो भी दौड़ती थी, मुझसे बात करती थी, हंसती थी, खेलती रहती थी, वो हिम्मती लड़की थी। बीमार तो खैर बच्चे पढ़ते ही हैं अक्सर, बीमार वही पढ़ती थी, इलाज कराते थे, इसलिए उसको बच्चों हम अपना एक एक दो दो रुपया दर से बचा कर रखते थे, इसलिए घर में कि हमारी बच्ची जब बीमार हो तो 200